यूपी के गाजियाबाद में महिला ने अपने पति के खिलाफ जबरदस्ती गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। हैरानी की बात तो ये है कि महिला का पति कोई आम आदमी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति आए दिन नए लोगों को घर पर लेकर के आता है और जबरन उनके साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए कहता है। पिछले 4 सालों से उसको लगातार ऐसा करने को कह रहा है। उसको अपने ही पति से जान का खतरा है। इसी के चलते परेशान होकर महिला ने अपनी मां के साथ जाकर पुलिस को सारी बातें बताई और अपनी जान की सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो बता दें कि महिला का पति कोई आम आदमी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है और लगातार पत्नी से जबरन गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने की बात कहता है। परेशान महिला ने इस बाबत पुलिस से शिकायत की है। आपस में बात करते रहो। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और वो प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब के माध्यम से आया था। मैंने थाने के लिए भेज दिया लेकिन जो भी उसमें जांच करके जो भी बनता होगा वो आपसे कार्रवाई की जाएगी। वो मुझे बहुत मारते पीटते और अपने कांग्रेस के नेता हैं वो अपने बड़े नेताओं को लेकर आते हैं घर और मुझे जबरदस्ती कहते हैं कि इनसे शारीरिक संबंध बनाओ। वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि इस वजह से कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये कम से कम 4 साल हो चुके जब से मेरी शादी हुई तब से ही। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या है ये पूरा मामला? देखिए मैं आपको बता दूं, ये महिलाओं की सबसे बड़ी कहना चाहिए कि एक चेहरा उजागर हुआ है जो महिलाओं के प्रति इस तरह का व्यवहार रखते हैं और खासकर वो पति, उनका एक बहुत बड़ी भयानक चेहरा उजागर हुआ है। हम आज तक जो सुना था वो यही सुना था कि अपनी पत्नी की रक्षा करने का जो 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 कहना चाहिए कि जो शादी होती है तो आदमी वचन देता है पति का अपनी पत्नी की रक्षा करेगा, लेकिन यहाँ एक पत्नी की रक्षा नहीं है, पत्नी की इज्जत को लुटवाने में उसका पति ही पत्नी साथ साथ कह रही है कि मेरा ही पति मेरा दलाल है। राजू, एक खबर ये भी इसमें है कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का ये जो आरोपी जिसको महिला बता रही वो सदस्य भी है, क्या नाम है उसका, कुछ पता चला? इसका नाम सैन मोहम्मद बताया जा रहा है और इसकी शादी लगभग 4 साल पहले लोनी के रहने वाली एक लड़की से हुई थी और उसी लड़की ने ये आरोप लगाए हैं कि 4 साल से लगातार वो मुझे इसी तरह का टॉर्चर करता चला आ रहा है और उसका उसने ये भी आरोप लगाए हैं पत्नी ने कि मेरा पति अपने आप को कांग्रेस में रसूखदार पद की चाहत में मुझे अपने ही सीनियर कांग्रेसियों के सामने परोसता है और शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है। अगर वो इस तरह का नहीं कहती है तो उसे मारता पीटता है और उसे करंट भी लगाता है। बिल्कुल राजू, क्या इस बाबत आपकी उस पीड़ित महिला के पति से बात हुई है? उनका इस मामले में क्या कहना है? देखिए पति से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको बुलाया था और मैंने उनसे ये भी आग्रह किया था कि आप भी अपना पक्ष रखें चैनल के सामने, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उसको जो करना है करे और मैं इस पर कोई भी सफाई देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो उसे एक सीधा सीधा उदाहरण ये जाता है कि कहीं ना कहीं चोट की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल राजीव, और पुलिस का इस मामले में क्या कहना है? पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है? अब पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके जांच कमेटी बनाई जा रही है। कल ही ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच कमेटी बना के जो सीनियर लीडर है कांग्रेस के उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो कौन कौन से लीडर हैं जो इनके घर पर आते थे, कौन कौन से ऐसे लीडर जो लीडर इनके दोस्त हैं जो रसूखदार पदों पर बैठे हैं और
पैसे आदि की इच्छा रखते हुए मतलब जो है दूसरे की पत्नी के साथ इस तरह का घिनौना कार्य करने की भी हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप खबर पर नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और हम भी जानना चाहेंगे आखिर वो कांग्रेस के कौन से दिग्गज जो नेता हैं जो इस घर पर आते थे और इस महिला के साथ जो है उसका पति कहता था कि शारीरिक संबंध इसके साथ में बनाओ।